एक महीने की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड अपने लाइफ के हर डिसीजन को रीक्वेश्चन करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि हमारे इस चैनल पर आखिर वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट इंडियन एनिमे ऑडियंस हैज नाउ एडवांस्ड। अब हमारी ऑडियंस देखे दिखाए क्लासिक शोज फॉलो नहीं करती, दे फॉलो द ऑन गोइंग ट्रेंडिंग एनिमे, एंड इस रेस में हम ही हमारी ऑडियंस से पीछे रह गए थे, विच इज अ टेरिफाइंग थिंग। एंड आई ऑल्सो फाउंड आउट समवेयर दैट अगर आप भी हर किसी की तरह सारे ऑन गोइंग एनिमे एक साथ फॉलो करना शुरू कर दे तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो या फॉर द सेक ऑफ सरकारी नौकरी आई वॉच्ड मुशोको टेंसेई द लेटेस्ट इसेकाई एनिमे। सो या लेट्स रोल द इंट्रो एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ खास अमाउंट ऑफ इसेकाई शोज नहीं देखे हैं, अगर मैंने देखे भी हैं तो मुझे याद नहीं, बिकॉज द मोस्ट ऑफ देम आर हाईली फॉरगेटेबल। तो इसी वजह से मैं इस एनिमे को किसी दूसरे इसेकाई एनिमे से कंपेयर नहीं कर सकता, एंड मैं इसे सिर्फ एंजॉय करता हूँ जस्ट अनदर एनिमे की तरह। एंड मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रह्मांड का पहला इसेकाई एनिमे है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट फैक्टर्स इट्स स्टिल अ वेरी गुड शो एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। वेल तो शुरू किया जाए, तो मैंने इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड तब देखा था जब वो फर्स्ट एपिसोड रिलीज ही हुआ था। इट्स अवेलेबल ऑन न्यूज एशिया फॉर एब्सोल्युटली फ्री, गाइज यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। तो पहला एपिसोड देखने के बाद आई वाज लाइक या दिस शो हैज एन अमेजिंग प्लॉट गाइस। अगेन सम रियली इंटरेस्टिंग प्लॉट इन दिस शो। वेल ऑल द जोक्स अपार्ट, इस शो की ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी किसी भी एवरेज एनिमे से तो काफी ज्यादा बेहतरीन है। बहुत ही कड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस एनिमे को जो एनिमेट कर रहा है उस स्टूडियो का नाम है स्टूडियो बाइंड, एंड अकॉर्डिंग टू माई एनिमे लिस्ट ये उनका डेब्यू एनिमे है। एंड इफ इट्स रियली देयर डेब्यू एनिमे देन दे हैव अ रियली गुड फ्यूचर अहेड। एंड ना सिर्फ इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बट ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के मामले में भी इस एनिमे ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। तो बेसिकली एक 40 साल का शट इन नीट इंसान होता है, शट इन नीट और हिकिकोमोरी, ज्यादा जानकारी के लिए आप प्री वेलकम टू दी एनएचके वाली वीडियो देख सकते हैं, बट मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। शट इन नीट वो इंसान होता है जो कहीं भी बाहर नहीं जाता, लोगों से सोशलाइज नहीं करता, काम धंधा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता और सिर्फ अपने घर में बैठकर। तो एक दिन ये फालतू इंसान फाइनली घर से बाहर निकलता है, एंड बाहर निकलते ही ट्रक उनसे हाय। तो हाँ, अब ये तो हो गया एक बहुत ही बेसिक इसेकाई वाला फॉर्मूला, बट द थिंग हियर इज दैट हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इमीडिएटली कोई महारथी मेन कैरेक्टर बनकर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है इस वर्ल्ड में, ही एक्चुअली गेट्स री इनकार्नेटेड। यस, उसका पुनर्जन्म होता है, दैट्स व्हाई दिस शो इज नेम्ड जॉबलेस री इनकार्नेशन। इस शो की अपनी स्टोरी के प्रति अप्रोच बहुत ज्यादा खूबसूरत है। द पर्सन हु इज राइटिंग दिस स्टोरी नोज हाउ टू राइट अ स्टोरी एंड हाउ टू प्रेजेंट इट। द वेरी फर्स्ट मूव दैट दिस एनिमे मेक्स इज सम रियली गुड वर्ल्ड बिल्डिंग। अपने पहले ही एपिसोड से ये सेटअप करना शुरू कर देता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर सिस्टम, होलसम कैरेक्टर्स और उनके होलसम रिलेशनशिप्स, एक बहुत ही होलसम और इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जिसमें है मल्टीपल किंगडम्स, रेसेस, स्पीशीज एंड लैंग्वेजेस। यस, दिस शो इज वेरी 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 फैसिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग। मैं यूजुअली ऐसे जेनेरिक लुकिंग फैंटेसी शोज देखना पसंद नहीं करता, बट उनमें भी कभी कभी ऐसे एक आधे जेम्स निकल आते हैं, जस्ट लाइक मैं माई एनिमे लिस्ट पर जाना पसंद नहीं करता, बट उनमें भी कभी कभी ऐसे होलसम थ्रेड्स दिख जाते हैं, चेक दिस वन आउट। So, ये एक बहुत ही लॉन्ग थ्रेड है जो इस एनिमे के कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स को पॉइंट आउट करता है जो कि शायद आपने मिस कर दिए होंगे या फिर एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। दिस एनिमे इज एक्चुअली वे मोर हिस्टोरिकली एक्यूरेट देन आई एवर इमेजिन्ड। थ्रेड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाकर पढ़ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। तो हमारा मेन कैरेक्टर री इनकार्नेट होता है एक बहुत ही मेडिवल से एरा में, मेडिवल एंड ऑल्सो फिल्ड विद मॉन्स्टर्स, मैजिक एंड बहुत कुछ। एंड री इनकार्नेट होने के बाद उसका शरीर तो बच्चे का है बट मेंटली वो अभी भी वही 40 साल का शट इन नीट इंसान है। तो जब ये बच्चा 10 साल का होता है, दैट मींस मेंटली वो अब 40 का है एंड फिजिकली 10 का। एंड जब ये 10 साल का शट इन नीट अडल्ट किसी 12 साल की लड़की पर नजरें गड़ाता है तो हमारे एनिमे फैंडम के जो मॉरल गेटकीपर्स हैं उनके पेट में दर्द होता है। एंड हाँ, वो लोग सही भी हैं बट मैं उन्हें पसंद नहीं करता बिकॉज उनके लिए उनका एनिमे पर ओपिनियन उनके जीवन का केंद्र है, तो इसीलिए मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में इंगेज होकर उन्हें सुपीरियर नहीं फील करवाना चाहता। एंड मैं ये भी कहूंगा
कहूंगा कि यार जस्ट इग्नोर इट अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो एक और चीज है रूडस के कैरेक्टर के बारे में विच रैदर डज नॉट मेक सेंस बट फिर भी मैं उसे इग्नोर करता चला आ रहा हूँ। द फैक्ट दैट ये शट इन नीट अडल्ट यहाँ पर री इनकारनेट हुआ है एंड सडनली ही इज वेरी प्रोडक्टिव। वैसे तो ये बात मुझे जरा हजम नहीं हुई बट इट मेक्स रूडस एन अमेजिंग एंड वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। अगर आप कुछ इनकंसिस्टेंसीज को इग्नोर कर सकते हैं तो रूडस इज अ वेरी लाइकेबल प्रोटैगनिस्ट। तो रूडस के अलावा जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होगा इस एनिमे में वो प्रोबेबली होगा पॉल, रूडस का डैड। नो पर्टिकुलर रीजन इन द बिगिनिंग बट जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस हो रही थी मेरा दिल न जाने क्यों ऊपर चीख चीख कर कह रहा था कि पॉल इज द मैन। इवन दो उसके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम काफी कम है इस सीजन में येट स्टिल उसकी कमी महसूस नहीं होती बिकॉज पॉल एक बहुत ही एलीट और फेमस स्वॉर्ड्समैन है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सीरीज में आगे चलकर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी होने वाला है। नाउ मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता बट इस सीरीज में सिर्फ 11 एपिसोड्स हैं एंड सारे के सारे एपिसोड्स मोस्टली वर्ल्ड बिल्डिंग को ही डिवोटेड हैं। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज 3 महीने बाद फॉर्चुनेटली ये एनिमे कंटिन्यू होने वाला है एंड मैं उसे जरूर देखूंगा बिकॉज सो फार दिस इज द मोस्ट इंप्रेसिव वर्ल्ड बिल्डिंग जो कि मैंने किसी रीसेंट एनिमे में देखी है। इस एनिमे का हर एपिसोड इन्फॉर्मेशन से पैक्ड है एंड कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग में। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट नो, हमें पता है कि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं सो मे बी शायद कुछ समय तक मॉन्स्टर क्वेस्ट्स ही चलेंगे इस शो के अंदर जो कि आई थिंक वर्ल्ड बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट एट द सेम टाइम इस एनिमे ने मेन प्लॉट की तरफ भी कई बार ऑलरेडी हिंट कर रखा है स्पेशली इन एपिसोड 8 सडनली कुछ ऐसा दिखाया गया दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बट गॉड डैम इट वाज एपिक। एक बहुत ही बैड एसी लोकेशन दिखाई गई, पोटेंशियल मेन विलन एंड उसके 2-3 नौकर, इज दिस सम गुरेन लगान स्टफ। एनीवेज अब तक आप सब लोग कंक्लूड कर ही चुके होंगे कि मेरी इस वीडियो में जो इस एनिमे के प्रति फीलिंग्स बह रही है वो फीलिंग्स है एक्सपेक्टेशंस जो कि बिल्कुल जायज है। जिस कॉन्फिडेंस से ये शो प्रोग्रेस हुआ है उस कॉन्फिडेंस ने ही मेरी एक्सपेक्टेशंस को फ्यूल किया है। पहले इसने मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, लड़ने का तरीका एस्टैब्लिश किया, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए विद गुड इनफ कैरेक्टराइजेशन एंड देन इसने शुरू की वर्ल्ड बिल्डिंग जहां पर कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक एलिमेंट्स ऐड करता चला गया। Also, serious themes like racism and the D word are either hinted or shown really beautifully. इतना सब कुछ ये anime करता है बहुत ही smoothly in just 11 episodes. So, if this is not some really top tier anime build up, then I don't know what else is. I guess that's it. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं और भी कई चीजें ऐड कर सकूं बट आई गेस मुझे और ज्यादा देखने की जरूरत है जो कि इस वक्त एनिमे फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। वी विल अल्टीमेटली हैव टू वेट फॉर अ सीक्वल जो कि हाँ आएगा। मैंने कहीं से तो सुना था कि मुशोकु टेंसेई इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रनिंग इसेकाई सीजनल एनिमे सो बेटर फॉलो इट नाउ। Reasons to watch it? अगर आप एक बहुत ही carefully, passionately written story देखना पसंद करते हैं then this is the anime and अगर आपको anime burnout है मेरी तरह then you should definitely check this out because despite my anime burnout, इस anime ने मेरा काफी ज्यादा interest develop किया है। So, हाँ ये था मेरा ओपिनियन ऑन जॉबलेस रीइंकार्नेशन एंड मेरी आखिरी कोशिश इस वीडियो को 8 मिनट का करने की ताकि मैं इसमें मिड-रोल एड्स डालकर ज्यादा अच्छा रिवेन्यू कमा सकूं बट आई गेस दैट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा एंड वेट करूंगा अपनी सरकारी नौकरी के लेटर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।